हर दे जय माता दी संकट हर दे जी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु है शूला नगर कोट में तुम ही विराजत तिहुं लोक में डंका वाजत। जी हां ये महिमा है मां ब्रजेश्वरी देवी की। माता ब्रजेश्वरी देवी को नगर कोट की देवी और कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए इस मंदिर को नगर कोट धाम भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का पुराना नाम नगर कोट था और कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडव काल में बनाया गया। ब्रजेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में माता एक पिंडी के रूप में विराजमान है। इस पिंडी की ही देवी के तौर पर पूजा होती है। ब्रजेश्वरी मंदिर में कई देवी और देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। ब्रजेश्वरी देवी जी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि माता सती की बाया वक्ष स्थल स्थान पर गिरा था जिसे मां ब्रजेश्वरी या कांगड़ा माई के नाम से पूजा जाता है। मां ब्रजेश्वरी देवी के दर्शनों के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु पूरे साल यहां आते हैं। नवरात्रि के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए मां के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना संकट के कारण देश भर के धार्मिक स्थल भक्तों के लिए बंद है। हिमाचल प्रदेश में भी छोटे बड़े सभी धार्मिक स्थल भक्तों के लिए बंद है। माता ब्रजेश्वरी देवी का दर भी कोरोना संकट के कारण भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में इतिहास में पहली बार हुआ है, हम कह सकते हैं कि देश में भी पहली बार हुआ है कि मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। जो श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने के लिए आते थे लेकिन अब वे नहीं आ सकते हैं, खासकर कोरोना वायरस के चलते जो है पूरे कपाट जो है मंदिर के बंद कर दिए गए हैं। लेकिन पूजा पाठ ज्यों के त्यों हो रही है। इस समय भी हम मंदिर के अंदर हैं तो सिर्फ पुजारी ही जो है मंदिर के अंदर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतिहास में पहली बार है कि मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। कोरोना ने मानो जिंदगी के पन्ने को ही पलट कर रख दिया हो। जिन मंदिरों में भक्तों का रैला लगा रहता था, जहां दिन भर घंटियों की गूंज सुनाई पड़ती थी, जहां दिन भर मेले सा माहौल होता था, वो मंदिर, वो सड़कें, वो गलियां आज वीरान हैं। इस विषय में जब हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कभी सोचा नहीं था कि मंदिर के कपाट बंद होंगे। हालांकि मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए जरूर बंद है, लेकिन मंदिर में पूजा पाठ पूरे विधि विधान से आज भी अनवरत जारी है। हालात तो बीमारी के कारण बिगड़े हुए हैं, पर मंदिर की जो पूजा पद्धति है और पूजा पाठ है वो रूटीन में जैसे प्रतिदिन जो पहले से चलता है वैसे ही चला हुआ है। मंदिर बंद है उसमें हम ड्यूटी में बाड़े अंदर आते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। कभी नहीं हुआ ऐसा, ना सोचा था कभी ऐसा, और आगे होना भी नहीं चाहिए ऐसा। ये प्रतिदिन का काम है जी, सैया लगाना, सुबह की आरती होनी, मंगल आरती होनी, उसके बाद दूसरी आरती होनी, फिर भोग का दोपहर की आरती होनी, शाम की आरती होनी, फिर सैया रात को सैया लगनी माता की। ये रोज का काम है रूटीन में ये, और वैसे ही चला हुआ जैसे पहले चलता था, जैसे मंदिर खुले होते हैं। मंदिर बंद है तो भी वैसे ही चला हुआ, पूजा पद्धति में कोई भी उसमें थोड़ा भी फर्क नहीं कोई भी। पूरी दुनिया में हर मंदिर की अपनी कुछ मान्यताएं, परंपरा और पूजा पाठ के तरीके हैं। माँ कांगड़ा देवी मंदिर में भी पूजा पाठ का अपना विधान है जिसका हर रोज पालन किया जाता है। यहाँ माँ का दो बार स्नान होता है, तीन वक्त माँ को भोग लगाया जाता है। माता का जो स्नान है वो दिन में दो बार होता है, दो समय माता का स्नान होता है और तीन समय आरती होती है। तीन समय माई को भोग लगता है, तीन समय ही आरती होती है। ये जो स्नान है ये स्वस्ति वाचन के उच्चारण के साथ साथ इसमें हम पंचगव्य के साथ इसका स्नान करवाते हैं माई का। स्नान होने के बाद माता के शुद्ध स्नान होते हैं जिसमें गुलाब जल व गंगा जल का प्रयोग होता है। स्नान के पश्चात माई को भोग लगता है, उसके पश्चात माता को आरती होती है। तीन समय यही विधि, तीन समय में आरती होती है, दो समय स्नान होता है। ये माता का सती पार्वती का छाती का बाया हिस्सा यहाँ पर गिरा हुआ है। जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ हुए, 52 शक्तिपीठों में से एक है। जो छाती का बाया भाग है माता का वो यहाँ पर गिरा हुआ है। माँ ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में माँ के दो रूप विराजमान हैं और इन दोनों रूपों में से आम भक्त को माँ के एक ही रूप के दर्शन होते हैं। पूजा यहाँ पर माई की जो पिंडी है वो
दोनों तरफ से है। माई की जो उग्र रूप है वो पिछली तरफ है और जो शांत स्वरूप रूप है जिसके सभी को दर्शन होते हैं वो सामने की तरफ है, जिसमें हम चंदन का लेप करते हैं। तो जो शांत स्वरूप है उसी के दर्शन सभी को होते हैं। पूजा तो दोनों रूपों की होती है लेकिन जो सभी को दर्शन होते हैं वो शांत रूप के होते हैं। जो उग्र रूप है वो माई का पिछली तरफ है, पूजा की जाती है लेकिन दर्शन उसके कोरोना काल में मंदिरों के कपाट जरूर भक्तों के लिए बंद हैं, लेकिन मंदिरों में पूजा पाठ लगातार जारी है। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ मंदिरों के पुजारी कर रहे हैं। माता कांगड़ा देवी मंदिर के पुजारी भी लगातार अपने पुरोहित धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। कांगड़ा माँ ब्रजेश्वरी धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और कपाट बंद हो रहे हैं। पूजा पाठ जो है पूरी हो चुकी है। जो मेन कपाट हैं वे पहले से ही बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी पूजा करने के बाद जो है माता को विश्राम की अवस्था जो है उसके बाद जो है इस समय मंदिर के जो मेन गेट हैं, जो अंदर का दरबार है, उसे भी बंद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो हालात हैं उसको देखते हुए मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं, लेकिन इस समय जो पूजा पाठ है वह पूरे ज्यों के त्यों हो रहा है। कहते हैं जो भी भक्त मन में सच्ची श्रद्धा लेकर माँ के दरबार में पहुँचता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये ख्याति है माँ ब्रजेश्वरी देवी की। कोरोना के काल में भले ही माँ का दर भक्तों के लिए बंद है, लेकिन माँ का आशीष हर भक्त पर आज भी है। माँ की कृपा से हिंदुस्तान और दुनिया कोरोना मुक्त हो, जिंदगी एक बार फिर गुलजार होगी, माँ का दर फिर से भक्तों के लिए खुलेगा, माँ का दरबार फिर से भक्तों से गुलजार होगा। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।